या दोस्तों हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में दोस्तों शुरुआत बहुत खराब रही साउथ अफ्रीका की और क्विंटन डिकॉक, जी हाँ दोस्तों तेंबा भूमा मात्र 1-0 के स्कोर पर पहले ही बॉल के अंदर दोस्तों मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए और मिचेल स्टार्क वहीं पैट कमिंस ने दोस्तों क्विंटन डिकॉक को ठिकाने भेज दिया और ऐसे में साउथ अफ्रीका के लगातार घुटने टेकने में कामयाब होते जा रहे थे मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के साथ साथ जोश हेजलवुड। दोस्तों वही बात करते हैं यहां पे आर वेंडर का भी विकेट लेने के बाद में ऑस्ट्रेलिया के खेमे में धूम मच गई थी लेकिन एक बार फिर से बारिश ने डाला खेमा। लेकिन फिर उसके बाद में जब मैच शुरू हुआ तो दोस्तों आ चुके थे क्रीज पर डेविड मिलर और किलर मिलर ने आज बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली और उनके साथ हेनरिक क्लासेन ने भी बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी। हेनरिक क्लासेन ने जरूर 47 रन बनाए और किलर मिलर का अच्छा खासा साथ दिया। लेकिन दोस्तों 47 रन बनाने के बाद में ट्रेविस हेड के हाथों कैच हो गए, क्लीन बॉल्ड हो गए और हेनरिक क्लासेन की पारी यहां पे समाप्त हो चुकी थी। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए एक छोर से टिके हुए किलर मिलर खेलते जा रहे थे ठीक वहीं एक और बड़ा झटका दोस्तों मार्को जेंसन के रूप में साउथ अफ्रीका को लगा और ऐसे यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खेमे में लगातार विकेटों के ऊपर विकेट आते जा रहे थे। लेकिन तभी दोस्तों किलर मिलर ने अपना शतक जड़ दिया और इस ऐतिहासिक मुकाबले में दोस्तों सेमीफाइनल के इस मुकाबले में किलर मिलर ने अपना जबरदस्त शतक लगाने के बाद अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। तो क्या आज साउथ अफ्रीका एक मैच जीत पाएगी, कमेंट करके जरूर बताइए।